सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की रिपोर्ट से शुगर मिल एसोसिएशन जान नहीं छुड़वा सकती, रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट कलदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की हुकूमती इस्तदाद मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की रिपोर्ट से शुगर मिल एसोसिएशन जान नहीं छुड़वा सकती, रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमत अमील पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुकदमे में फैसला दिया है, क्या सिंध हाई कोर्ट के इल्म में ये बात नहीं लाई गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सिंध हाई कोर्ट की अबूरी हुकुम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कमीशन को शुगर मिल को मौकफ का मौका नहीं देना चाहिए था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के सामने मौकफ देने की जरूरत नहीं थी। कुछ शुगर मिल मालकान नहीं चाहते कि रिपोर्ट में अथॉरिटीज कार्रवाई करें। कुछ शुगर मिल मालकान केपी और कुछ बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी चले गए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत को कह दिया है कि किसी इदारे को मामले पर हिदायत ना दें और रिपोर्ट पर इदारों को आजादाना काम करने दिया जाए। वफाकी काबीना ने मेरी सिफारिश पर इदारों को दी गई हिदायत वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की है, हुकूमत तहकीकात करवाकर मुकदमा बनवा देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि शुगर मिल एसोसिएशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़वा सकती, कमीशन गैर कानूनी करार दे दें तो फिर भी खत्म नहीं होगी, रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता, कमीशन रिपोर्ट का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आइंदा समाअत तक बरकरार रखा। अदालत ने मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी और केस को आइंदा 3 मेंबर बेंच सुनेगा।